फिर फिरे आसिक ने की हत्या। एक तरफा प्रेम में पागल आसिक को जब उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो उसने प्रेमिका को पहले घर से अगवा कर लिया, फिर गला रेत कर निर्मम हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक दिया। घर से अचानक गायब हुई युवती का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया है। मामला अररिया जिले के अजीमतल कोतवाली क्षेत्र के सहालपुर गांव का है, जहां सिरफिरे आसिक की करतूत से सनसनी फैल गई है। पेश है अररिया से रवि तिवारी की ये रिपोर्ट। खेत में रक्त रंजित पड़ा दयावती उर्फ गुड्डी का शव गवाही दे रहा है कि सनकी आसिक ने उसकी कैसी निर्मम हत्या की है। हत्या की वजह बना एक तरफा प्रेम और युवती की शादी किसी दूसरे से तय हो जाना। थालपुर गांव की रहने वाली गुड्डी की शादी तय होने के बाद पड़ोस के रहने वाले सिरफिरे आसिक चंद्र प्रकाश लोधी ने गुड्डी की हत्या करके योजना बना डाली और मौके की तलाश में जुट गया। बताया जा रहा है गुड्डी दो दिन पहले एक गांव में ही शादी में शामिल होने गई थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। इसकी सूचना पुलिस को देते ही देर रात उसका शव सरसों के खेत में पड़ा दिखाई दिया। गुड्डी के पिता का कहना है कि चंद्र प्रकाश ने उसकी हत्या की है। इतना ही नहीं, चंद्र प्रकाश ने एक तरफा प्यार में पागल होने पर पहले भी गुड्डी पर जानलेवा हमला कर चुका था, जिससे लेकर घर वालों में काफी दहशत जाग थी। गुड्डी की माँ का कहना है कि चंद्र प्रकाश ने एक बार उसकी बेटी को करंट लगा कर मारने की कोशिश की थी। क्या नाम है आपका? दया कृष्ण। कहाँ के रहने वाले हो? कसालपुर। ये क्या घटना है? हमारी बिटिया मार डाली साहब। कैसे मौत हो गई इसकी? चंद्र प्रकाश ने मारी। ये कब की घटना है? आज संजय के शादी में खाना खान गई चूड़ी ने साथ सब घर परिवार में खाना रहे खा के आई गिफ्ट दे आई गिफ्ट दे के मैं तो लौट ही जाने डगर में हमें जान तार बगो देखो जी कुफियाए लो मैंने शायद। ये मिट्टी कब मिली? मिट्टी हम साहब थाने से रिपोर्ट लिखाए लिखुई के आए। हमें सख्त होती कि मेरी बिटिया कहूँ भाज बिल्डर के जे है नहीं निश्चय मार डारी तो हमें सब पूरी हती जहाँ पे जई ने मारी है हमारी चाहे किसी का डारी जाए लेकिन मारी जई ने किससे मारा है जा साहब हम नहीं बता सका। जाने तार बांधो वहां में इसी में मिलो कर जाने ईटन से फोरो पहचान बाजू करो जाने बंगला में तो फिर जाना हम थाने से लौटे हमें ढूंढा ढूंढा बंगला कंडा सब देखा था लाह में घूमन आए सो भगवान कुत्ता मेरे बन गए कुत्ता भूस परे हुआ हमने कही हाय कुत्ता का ही भूसे हम देखन गए जो मेरी बिटिया मई डरी मिली हमें लाने आये मेरे लल्ला रामू जा डरी मिट्टी मेरी जा मा डारी। राम खुशालपुर है वहाँ पर एक लड़की है लड़की थी दयावती और गुड्डा डॉक्टर ऑफ दया कृष्ण उसकी मृत्यु हो गई है। तो मामला ये प्रकाश में आया कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक है चंद्र प्रकाश लोधी उसने एक तरफा प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या कर दी। जो मृतका है दयावती उसका विवाह तय हो गया था अप्रैल में उसकी शादी होनी थी तो इसी कारण वो रंजिश मारने लगा था और उसने उसकी हत्या कर दी। मामला दर्ज हुआ? हाँ अभी वो पंजीकृत हो गया है गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।